हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच पानीपत में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है, जो चिंता का विषय है। आंकड़ों के मुताबिक यहां मौजूदा वक्त में 74 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से कोरोना के खिलाफ जंग को मजबूती से आगे बढ़ाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लोगों को मास्क पहनने और सामाजिक दूरी को कायम रखने की सलाह दी जा रही है। इसके साथ ही जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए, इस समय हम पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में और हमारे साथ हैं सिविल सर्जन। धीरे धीरे लगातार फैलता जा रहा है, तो क्या कहेंगे? अभी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अभी चिंता का विषय ये है कि जैसे 7-8 केस जो है पर डे आ रहे थे, बीच में फरवरी के महीने में 2 बार 0 भी आए, लेकिन आज इस फरवरी में सबसे ज्यादा केस हैं। आज के दिन जो 16 नंबर हैं जिनका ये एक्टिव केस हैं, और जो इनमें से कुछ प्राइवेट लैब के थ्रू हैं और कुछ गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉजिटिव आए। सर, मैंने देखा है, हम जो देख रहे हैं पानीपत जिले में 90% लोग जो हैं ऐसे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है। क्या ये अंदेशा जो है, जो जिस तरीके से लोग बात कर रहे हैं, क्या ये संक्रमण नहीं? बिल्कुल ऐसा जो ना पॉसिबल है कि अगर हम लापरवाह हो जाएंगे और ये जो नियम बनाए गए हैं उनकी पूरी तरह से पालना नहीं करेंगे तो ये केस, क्योंकि अभी तक खत्म नहीं हुए हैं, तो खत्म नहीं हुए तो एक दूसरे से ये लगते भी हैं, बढ़ते भी हैं। तो बहुत जरूरी है कि वो इन नियमों की पालना करें, नहीं तो ये फिर से नंबर ज्यादा बढ़ जाएगा और फिर काबू करना फिर मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि इसके अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर कोविड गाइडलाइन जो दी गई है, आप अगर कहीं भी जा रहे हैं तो मास्क जरूर लगाएं, आपको 2 गज की दूरी बना के रखनी है, आप अपने हाथों को सैनिटाइजर या साबुन से धोएं, ये निश्चित है, इसको आप नहीं बदल सकते, इसके अंदर हेर फेर नहीं कर सकते आप। अगर आप कोरोना संक्रमण को रोकना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा, तभी संभव हो सकता है कि हम इस कोरोना संक्रमण के खिलाफ जो हमारा युद्ध है वो हम जीत पाए। जितेंद्र शर्मा, हरियाणा न्यूज, पानीपत। वहीं पानीपत के बत्रा कॉलोनी में एक बच्ची का भ्रूण मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। लोगों ने